करंट अफेयर के सेशन में डीडी एकेडमी के तरफ से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस भारतीय पायलट विंग कमांडर को बगैर किसी शर्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रिहा करने की घोषणा की है? जी हां, ये हैं मिस्टर अभिनंदन वर्धमान। इन्हें कल रिहा किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आज ही जो है इमरान खान पाकिस्तान के संसद में यह घोषणा किया है। इमरान ने कहा है कि पाकिस्तान कल भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को रिहा करेगा। इमरान खान ने कहा कि शांति के कदम के तौर पर पायलट की रिहाई का कदम उठाया गया है। इमरान खान ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि बातचीत शुरू करने के लिए पहले कदम के तौर पर पाकिस्तान हिरासत में लिए गए भारतीय वायुसेना के अधिकारी कल अर्थात शुक्रवार को रिहा कर रहा है, मतलब आज रिहा कर रहा है। अच्छे अच्छे बातें तो बोली, पहले शर्त रखने का कोशिश किया था इमरान जी ने, लेकिन शर्त नहीं रख पाए तो उन्हें छोड़ना ही पड़ा मिस्टर अभिनंदन वर्धमान को। उनका पिक देख लेते हैं, आपको पता है यही जो है आपके इनकी प्लेन क्रैश होने के कारण ये पाकिस्तान के भूमि पर जा गिरे थे। अच्छी बात है कि उन्होंने ये बिना किसी शर्त के छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रयास कौन देश लाने की तैयारी कर रहा है? जी हां, सबसे पहले है कि भूल जाइए भारत, क्योंकि भारत जो है मेंबर नहीं है आपके सुरक्षा परिषद का, ये फ्रांस ला रहा है। तो फ्रांस जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, इसके पास वीटो पावर है, 5 देश है आप भी जानते हैं, तो ये इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि, और वो भी यूरोपीय ब्लॉक के समर्थन से जैश ए मोहम्मद को जो है कटघरे में खड़ा करके उसके को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए, नामित करने के लिए। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषणा करने के प्रस्ताव किसके कारण अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंजूरी नहीं मिली? देखिए, पिछले 2 दिनों से ये काफी ज्वलंत इशू रहा है, तो इसके लिए मैं इस पे 3-4 सवाल को इसलिए कर रहा हूं कि ये सवाल में से कोई भी सवाल एग्जाम में जरूर टकरा सकता है। तो ये चीन जो है जो पिछले 10 साल से इसने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, चूंकि इसके पास वीटो पावर है तो इसकी वीटो लागू हो जाती है, और चीन के हिसाब से अजहर को जो है पर्याप्त सबूत नहीं है कि इसकी जो कनेक्शंस जो है इस आपका अलकायदा या इस्लामिक स्टेट से है, एक बहानाबाजी है। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम में चीन इस वजह से जगह पे बैठा हुआ है कि हम नकार भी नहीं सकते हैं, तो भी फ्रांस जो है इस बार फिर से इस प्रस्ताव को ला रहा है। अब आते हैं जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर रिहाई भारत जेल से कब हुई थी? जी हां, ये भारत में पकड़ा गया था और दुर्भाग्यवश तो इसे रिहा करना पड़ा। इसे दूसरे तरह से अगर नहीं देखा जाए तो भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अजहर के ही संगठन द्वारा एक इंडियन एयरलाइंस के विमान को अपहृत कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था, और उनके यात्रियों के बदले में इस बंदे को और इसके 5 साथी को छोड़ा गया था, और यही है कि आज भी इस बंदे को हम झेल रहे हैं। अब अगले न्यूज पे जाते हैं।
इस्लामिक सहयोग के 50 वर्ष इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए अबू धाबी कौन गए हैं? तो जी हाँ, आप जान लीजिए, ये जो हैं ये आपके सुषमा स्वराज जी हैं जो विदेश मंत्री हैं, ये गए हुई हैं इस्लाम सहयोग के 50 वर्ष का एक प्रोग्राम हो रहा है इस्लामिक सहयोग संगठन में, और ये 2 दिन की प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में शिरकत लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज अबू धाबी पहुंची हुई हैं। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से बहुत चिंतित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? मारिस पेन। और इन्होंने ही हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान को चेताया था कि जैश ए मोहम्मद और लश्करे तैयबा के सहित सभी आतंकी संगठन के खिलाफ तुरंत और असरदार कार्रवाई करें। देश अब जब ऑस्ट्रेलिया की बात चली है तो जान ले राजधानी कैनबेरा है, महादेश ऑस्ट्रेलिया ही है, सबसे बड़ा शहर जो है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है, महारानी एलिजाबेथ 2 है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और जनसंख्या मात्र 2,52,00,000 है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में 2.8 मीटर मतलब 10 फीट से भी करीब करीब थोड़ा ज्यादा और 800 किलोग्राम से ज्यादा वजनदार भगवत गीता, सोचता ही तो दिल दिमाग उड़ जाता है, इस्कॉन टेम्पल में किसने अनावरण किया है? कितना भव्य भगवत गीता होगा? जी हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये 26 फरवरी को ही किया गया है, जिस दिन हमने एयर स्ट्राइक किया था उसी दिन आपके इस्कॉन टेम्पल पे शाम के वक्त में इस गीता का अनावरण श्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ था। अब हम अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रणाम कमीशन लॉन्च किया गया? आजकल तो नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल होने वाला है, और इलेक्शन के इस साल में इतने सारे योजनाएं हो रहे हैं, ऊपर वाला ही खैर करे। और ये प्रणाम कमीशन जो है असम में शुरू हुआ है। मामला थोड़ा सा जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदाही एवं निगरानी मानदंड, जिसका नाम है प्रणाम। मामला क्या है भैया? राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता के संरक्षण के लिए विधेयक से संबंधित मुद्दों को देखभाल करने के लिए एक पैनल की घोषणा की गई है और उस पैनल का नाम ही है प्रणाम कमीशन। अब हम अगले न्यूज पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के जंगल में 15,000 एकड़ जमीन पर आग लग गई? जी हाँ, ये न्यूज तो बड़ा था, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ हमारी तनातनी में जो है ये न्यूज दब गया। ये कर्नाटक में आग लगी हुई थी और ये कर्नाटक के जो है बांदीपुर जंगल है, वहां पर ये 15,000 एकड़ जंगल क्षतिग्रस्त हो गया है। हम जरा जान लेते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक जो है वो 874 वर्ग किलोमीटर का एक आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है। अब जब राज्य की कर्नाटक की बात चली है तो हम जानते हैं कि राजधानी बेंगलोर है, राज्यपाल वजूभाई वाला है, मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी है, जनसंख्या 6,11,00,000 है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक में कमजोर बैंक की निगरानी सूची से इलाहाबाद बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के अलावा निजी क्षेत्र के किस बैंक को कमजोर बैंक की निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया है? जी हाँ, ये धनलक्ष्मी बैंक है। धनलक्ष्मी बैंक ने इसे बाहर कर दिया, माने आरबीआई ने बाहर कर दिया है। अब इस पे से जो है कर्ज देने का अंकुश हटा दिया गया है और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो होता है जब इन पे निगरानी शुरू होता है उससे धनलक्ष्मी बैंक को बाहर कर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं।
हाल ही में पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पीएस तेजी हैं, जिन्हें पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बेसिकली रिटायर्ड जज हैं, पीएस तेजी, इन्हें 26 फरवरी को नियुक्त किया गया है। अब अगले न्यूज में आते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज संप्रति 2019 2 मार्च से शुरू करने वाला है? तो ये बांग्लादेश के साथ है, ये 8वां एडिशन है, ये 2 मार्च से 15 मार्च तक ये चलने वाला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। बजट घोषणा के 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अभी तो इतने एम्स खोल गए हैं कि एम्स तो हॉस्पिटल ही बन गया, मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह। सही पूछो तो जितने भी एम्स खुले हुए, जितने भी न्यूज आ रहे हैं, हर जगह पे व्यवस्था सुचारू अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग दे दनादन एम्स खोले जा रहे हैं। तो चलिए, ये एम्स जो है हरियाणा में है, हरियाणा के आपका जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में ये एम्स के लिए जगह को अंतिम रूप दे दिया गया है। और ये एम्स भी जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। माफ करेंगे, एम्स के जगह यहाँ पे एप्स लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पादरी को बाल यौन शोषण के मामले में जेल भेज दिया गया है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है। तो सबसे है कि ये वेटिकन सिटी के हैं, घटना ऑस्ट्रेलिया में घटी हुई है। वेटिकन देश के पूर्व कोषाध्यक्ष, और देखो यार, 77 वर्षीय जॉर्ज पॉल को 2 बच्चों के यौन शोषण का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया और ऑस्ट्रेलिया न्यायालय ने उनकी जमानत भी रद्द कर दी है। ये वो पापी हैं, ये वो शैतान है जो भगवान के वेश में हैवान हुआ करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में नेपाल में प्लेन दुर्घटना से किस पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री की मौत हो गई? ये श्री रविंद्र हैं, इनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनके साथ 6 और पैसेंजर थे, मतलब उनकी मौत की पुष्टि आज ही हो पाई है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज, कल का न्यूज है, कौन थे? तो सौरभ चौधरी थे और मनु भाकर की जोड़ी जो थी कल विश्व कप निशानेबाजी की 10 मीटर की एयर पिस्टल टीम स्पर्धा, मिक्स्ड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। इसमें बहुतों ने सही जवाब दिया, केवल एक जन ने गगन नारंग का नाम लिया और किसी ने नीचे मनु भाकर है, मनु भाकर की तो जोड़ी ऊपर लिखा ही हुआ है, उन्हें देखना चाहिए था सवाल में कि नीचे जो ऑप्शन है तो मनु भाकर के साथ किसका पूछा गया था, उन्होंने शायद सही में देखा नहीं इसलिए गलत जवाब दे दिया। तो भी आप लोगों की जवाब जो है 90% से ज्यादा सही रहा, इसलिए आप सभी जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं। तो चलिए आज का सवाल पूछते हैं। आज का सवाल जो है वो ये है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो भैया 28 फरवरी को होता है, आपको भी पता है, लेकिन ये जो है किस वैज्ञानिक के खोज के लिए इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? और मैं जानता हूं आप सभी इसका सही जवाब अवश्य दे पाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद के साथ आप लोगों ने समय दिया, लेकिन एक बात अब बताना चाहूंगा कि देखो अब बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं, प्लीज 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 हर दिन का जो मैंने टेस्ट देता हूं उसे दिया करो यार, नहीं तो आजकल जो है 4 से 5 मार्क्स तो मिनिमम हो गए हैं करंट अफेयर्स के, 4 आप सोच लो कि 4 मार्क्स मतलब 2 चैप्टर हो जाते हैं आपके मैथमेटिक्स के, उसके लिए जितना मेहनत करते हो, हर दिन अगर 2 मिनट का टेस्ट 3 मिनट का टेस्ट होता है दे दो, तो यार ये कभी नहीं होता है कि परीक्षा के पहले दे दनादन याद करने की जो झमेला होता है उससे मुक्ति मिल जाता है। तो चलिए आप लोगों ने समय दिया, फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।